हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम संतोष हपलुंगबर। आज मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इस बॉटल के बारे में बताएगा, दिस वाइन के बारे में। ये है 100 वेफर्स सिग्नेचर मेडल नंबर 1 इन्फ्रेड ब्लू, और ये है किंगफिशर। तो पहले में आगे जमाना में पहले में ये एक मेडिसिन जैसा यूज करता था, और कुछ ठंडा का समय में कुछ थकान में, टायर्ड में, ये सब वाइन को मेडिसिन के लिए यूज करता था। लेकिन आजकल का जमाना में, ये मॉडर्न का जमाना में ये एक फैशन हो गया, ये ड्रिंक्स अवेलेबल हो गया, ड्रिंक्स कॉमन हो गया। अलग अलग कंपनी से मतलब बनाया, अलग अलग वाइन बनाया, तो आजकल इतना कॉमन हो गया जो बर्थडे हो या शादी हो या कुछ पार्टी हो, ये कॉमनली यूज करता है। तो हम सब इसको एनी टाइम यूज करता। तो क्या आप बता सकता इस 5 बोतल में से मैं किसको पीना चाहूंगा? क्या आप बता सकता इस वाइन इस 5 वाइन में से मैं किसको पीना चाहूंगा? बता नहीं सकता ना आप लोग? मैं पीऊंगा ये है जुदिमा। ये जुदिमा सिर्फ दिमासा कम्युनिटी में पाया जाता है। इसकी जुदिमा को हर साल हम लोग दिमासा में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाता है। दिस ईयर 18 दिसंबर 2020 में हम लोग गुंजुंग में ये जुदिमा फेस्टिवल बहुत बड़ा मनाया, और ये सिर्फ दिमासा कम्युनिटी में मिलता है। ये स्टिकी राइस से बनने वाला है, इसमें एक बूंद भी, एक टेबलेट भी मेडिसिन मिलावट नहीं। ये 100% नेचुरल। अगर आप इसको पिएगा, ज्यादा पीने से थोड़ा नशा हो जाएगा, लेकिन ये एक जरा सा भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये पीने में बियर जैसा है, लेकिन बियर से थोड़ा मीठा है, स्वीट है। और तो अभी मैं ठीक है दिखाएगा आप लोगों को। अभी इसको आप लोगों को पी के दिखेगा। बहुत मजा है इसमें, मीठा भी है, थोड़ा टेम्परेचर भी है। अगर आप लोग पिएगा, आप लोग इसको पिएगा, तो हर साल एवरी ईयर इसका फेस्टिवल होता है। जिस ईयर गुंजुंग में फेस्टिवल मनाया, उसी तरह हर साल हम लोग इस फेस्टिवल मनाते हैं। तो आप लोग आने सीखेगा, पीने सीखेगा, इसको ट्राई करने सीखेगा। वीडियो तो इतनी ही। अपनार बिलक मोर वीडियो खेने के लगी से बाहर लगी से जदि बाहर लगे तेनते हले कितियो न बरिबो लाइक शेयर आरो सब्सक्राइब। नमस्कार।